तो दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। दरअसल प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और इसके बाद ही दिल्ली सरकार ने अगले एक हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद कर दिया। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में फिर से लॉकडाउन जैसे हालात, लेकिन इस बार कोरोना ने नहीं प्रदूषण ने बिगाड़े हालात। स्कूल हुए बंद, सरकारी ऑफिस से कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। जी हाँ, दिल्ली में दम घुटता है। जी हाँ, दिल्ली की हवा में जहर है। जी हाँ, दिल्ली में रहना है तो घर से नहीं निकलना होगा। सुनने में ये अजीब है लेकिन सच है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कड़े निर्देश देने पड़े। दिल्ली सरकार को आनन फानन में इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी और कई बड़े फैसले करने पड़े। दरअसल दिल्ली में जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि घरों में लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं, दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत है। साथ ही कोर्ट ने स्कूल खोलने से भी नाराजगी जाहिर की, कहा इससे बच्चों पर गंभीर नतीजे हो सकते हैं, उनके फेफड़े खराब हो सकते हैं। कोर्ट का इतना कहना था कि सुबह तक प्रदूषण के मुद्दे पर पूछे गए सवाल को टालने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में बैठक बुलाई। इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली के मुख्य सचिव भी शामिल थे। इस बैठक में कई अहम फैसले किए जिसके मुताबिक दिल्ली में सोमवार से स्कूल बंद होंगे, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी, 14 से 17 नवंबर के बीच कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद रहेंगे, कुछ दिनों तक सभी सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे, सरकारी ऑफिस के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, प्राइवेट ऑफिसेज के लिए एडवाइजरी जारी होगी, वर्क फ्रॉम होम लागू करने की एडवाइजरी के साथ ही लॉकडाउन करने पर विचार करेंगे। वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हालात खराब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे, अभी लगा नहीं रहे हैं। दरअसल दिल्ली में दिवाली के बाद से ही वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा था, साथ ही पराली जलाने की वजह से हालात और बिगड़ गए। दिल्ली में AQI लगभग 500 के आसपास पहुंच गया है। डॉक्टर भी लगातार बढ़ते प्रदूषण की चेतावनी दे रहे हैं। आप सोचिए, जिन लोगों को चेस्ट की डिजीजेस हैं और खासकर से जो हमारे पोस्ट कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, भारी मात्रा में जिनके लंग्स कहीं ना कहीं कोविड से अफेक्ट हुए होंगे, और जो हमारे बच्चे हैं, जो नवजात शिशु अभी अगले कुछ घंटों में दिनों में जन्म लेंगे या पिछले कुछ दिनों में जिन्होंने जन्म लिया, उन सब के लिए यह एयर एक जहर से कम नहीं है और उनको टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट डैमेज कॉज कर रही है। तो इस तरह की हवा को ब्रीद करते रहना हम सब के लिए एक हेल्थ प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है। डॉक्टर के मुताबिक ज्यादा प्रदूषण होने से हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ जाती है। हार्ट अटैक इज मोर कॉमन ड्यूरिंग विंटर सीजन। कहते हैं कि ब्लड चिपचिपा हो जाता है ठंडों में या फिर नसें सिकुड़ जाती हैं, दैट आल्सो कॉजेस मोर हार्ट अटैक इन द विंटर सीजन। इस पूरे मामले पर राजनीति भी खूब हो रही है। बहुत जबरदस्त तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है उनका कि आप हर बार किसान को ही पिटते रहते हो, जबकि किसान के अलावा और इतने सारे विषय हैं जिसमें से प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण के ऊपर आप बोलते नहीं है। यानी किसानों वाली फॉगिंग प्राली, उसका तो हमने खूब प्रबंध किए हैं। वहीं दिल्ली सरकार के फैसले पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। मेरे हिसाब से 2 दिन का लॉकडाउन कुछ मायना नहीं रखता, इससे कोई पोल्यूशन नीचे नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ सकता है लेकिन बहुत एट 1%, नॉट इवन 1% फर्क। जितना पोल्यूशन का लेवल और सबसे ज्यादा दिल्ली गाजियाबाद इधर बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा इधर बढ़ रहा है, तो इससे अच्छा ये है कि इंसान पब्लिक अपने घर में रह रही, बाहर नहीं आ रही है। 2 दिन का बिल्कुल उनका एक्यूरेट लॉकडाउन का जो उन्होंने डिसीजन लिया बिल्कुल एक्यूरेट है। दिल्ली में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है
कि प्रदूषण से लोगों का जीना मुश्किल हो गया हो। हर साल दिल्ली में प्रदूषण की इमरजेंसी होती है, कुछ समय के लिए फैसले किए जाते हैं और फिर हालात जस के तस हो जाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण को पूरी तरह से रोकने के लिए अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है और इसलिए हर साल दिल्ली गैस चेंबर बनता है। महिमा कटारिया, भावना किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।